अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व वायुसेना एसपी त्यागी समेत अन्य दो आरोपियों को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं एसपी त्यागी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर डील का फेवर करने का आरोप लगाया है। दरअसल अगस्ता मामले में सीबीआई की ओर से एसपी त्यागी से चली करीब 4 घंटों की कड़ी पूछताछ में त्यागी ने स्वीकार किया था कि हेलीकॉप्टर बनाने वाली फिन मैकेनिका कंपनी के अफसरों से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सीबीआई ने त्यागी समेत संजीव त्यागी और गौतम खेतान को दिल्ली की विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट में त्यागी ने आरोप लगाया है कि यूपीए शासनकाल में हुई इस डील को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऑफिस की तरफ से फेवर किया गया था। इसके साथ ही त्यागी ने कोर्ट में बताया कि पीएम ऑफिस ने सुझाव दिया था कि वीवीआईपी चॉपर डील के लिए ऊंचाई में बदलाव किए जाएं, क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड इससे जुड़े मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रही थी, लेकिन बदलाव करने से उसके लिए डील हासिल करना आसान हो गया। बहरहाल वायुसेना अध्यक्ष अरूप साहा ने एसपी त्यागी की गिरफ्तारी को वायुसेना की साख पर धब्बा बताया है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और साथ ही देश के कानून पर पूरा भरोसा जताया है। आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 3600 करोड़ रुपए के खरीद घोटाले में 450 करोड़ रुपए घूस लेने का मामला सामने आया था। एसपी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों की उड़ान ऊंचाई सीमा की शर्तों को कम करने में मदद की थी। फिलहाल कोर्ट ने एसपी त्यागी समेत अन्य दो आरोपियों को 14 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। हालांकि अगस्ता घोटाले में जिस तरह से एसपी त्यागी की गिरफ्तारी हुई उस पर सवाल उठ रहे हैं और शक जताया जा रहा है कि सीबीआई को त्यागी से पूछताछ में जो सबूत 3 साल में नहीं मिले वो रिमांड के दौरान कहां से मिलेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले मामले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी की ओर से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर उठाए गए सवालों में कितनी सच्चाई है और इस घोटाले के तार कहां-कहां जुड़े हैं, ये तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।